गुड मॉर्निंग. सो वी आर गोइंग फॉर इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन. अर्लियर ऑलरेडी आई डिस्कस व्हाट इज कम्युनिकेशन. सो विल गो फॉर इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन. इन दिस विल सी द बेसिक कॉन्सेप्ट. सो फर्स्ट आई रिपीट व्हाट इज कम्युनिकेशन. इट इज एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन और पासिंग द इंफॉर्मेशन, idea, thoughts, feelings, one person to others, other person. So that is the communication what I discussed earlier. So next we'll go for importance of communication. So in this basic things, if you'll say, communication help the employee or manager to perform their job and responsibilities. So next is, if effective communication is significant for manager in the organization so as to perform the basic functions of management, that is planning, leading, organizing, controlling. These are the functions, basic functions in importance of communication we are doing. अब इसमें कम्युनिकेशन का क्या इम्पोर्टेंस रहता है, क्या रोल रहता है. आप यदि अच्छे कम्युनिकेटर हो तो क्या रोल है आपका, वो दिखता है. तो फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो कम्युनिकेशन का, फर्स्ट वन इज़ कोऑर्डिनेशन. इफ़ यू आर गुड कम्युनिकेटर, आप अच्छे कम्युनिकेटर हो, देन यू कैन शेयर योर नॉलेज, यू कैन डिस्कस योर प्रोजेक्ट with the employee nicely. Like the manager explain to the employee the organization goal. Organization का क्या objective है वो employee के सामने explain करने में सक्षम होता है. So that is the communication. If that manager should have good communicator. So that is the importance of communication. First point. सेकेंड पॉइंट इज फ्लुएंट वर्किंग. सो आपका ऑर्गेनाइजेशन विदाउट स्टक, विदाउट रुकावट, यदि स्मूथ वे में चलता रहे, सो दैट इज़ द फ्लुएंट वर्किंग. इन दिस द मैनेजर एक्सप्लेन द टू द एम्प्लॉय द ऑर्गेनाइजेशन गोल. दिस आई ऑलरेडी टोल्ड. नेक्स्ट वन इज फ्लुएंट वर्किंग. ए मैनेजर coordinate the human and physical elements of an organization to run it smoothly. आप अपना organization को अच्छे से run करने के लिए एक flow में तो दोनों से coordinate करना होगा, human से भी, human resource से भी, और whatever physical elements is available, like आपका रॉ मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं है आपके इंडस्ट्री में, जो चाहिए नीड्स, जो आउट साइड से लाते हो वो अवेलेबल है कि नहीं. दीज आर द फिजिकल एलिमेंट्स इट शुड हैव, देन योर इंडस्ट्री विल वर्क स्मूथली विदाउट फेल. देन दीज थिंग्स मैनेज, यू कैन एबल टू मैनेज वंस यू हैव गुड कम्युनिकेशन. दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स. नेक्स्ट इज डिस्कशन मेकिंग. सो डिसीजन मेकिंग. सो डिसीजन मेकिंग ऑल्सो, वंस यू विल टेक डिसीजन, सो यू शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, सो यू कैन एबल टू कन्विंस योर हायर अथॉरिटी और मैनेजमेंट, सो यू कैन टेक द डिस्कशन और डिसीजन. सो एनी डिसीजन इफ यू विल टेक, यू कैन convince to higher authority, then you are good, well and good, and your decision is pakka for everyone. And your lower employee also should know why you took this decision. So this is the one way. आप जो भी decision लेते हो company में, आप अच्छे से समझा सकते हो सभी को. That is the importance of communication. वो importance of communication के अंदर आता है. And next one is increase managerial efficiency.
मैनेजरियल इफिशियंसी, आपका अच्छे कम्युनिकेटर हो तो आपका मैनेजिंग पावर इंक्रीज होता है, जो मैनेज करने की क्षमता होता है वो इंक्रीज होता है। आप कह सकते हो इफ़ यू आर गुड कम्युनिकेटर योर पर्सनालिटी आल्सो विल डेवलप। आप देख सकते हो कि यदि कोई भी बंदा आपके सामने अच्छे से बात कर रहा हो तो उसकी बातें ज़्यादा लोग सुनता है और दे आर एक्सपेक्टिंग मोर एंड मोर फ्रॉम देम। सो दैट्स वाई इफ यू आर गुड कम्युनिकेटर सो एवरीवन लुक टू यू। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। आप बहुत अलग तरीके से भी नोट्स बना सकते हो अपने वे में, अलग अलग पॉइंट्स लिख के, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। सो ऑल द बेस्ट, यू डू असाइनमेंट एज वेल एज एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।